मंदिर में प्रवेश के लिए हैं चार विशाल बारीक नक्काशी से सजे द्वार। ये हैं सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। भगवान जगन्नाथ के देव रूप का एक पुराना इतिहास है और इनके उदय के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करें। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया, तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर, कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? ये तो वक्त ही बता सकता था। जून 2015। पुरी में अभी हर तरफ हलचल है। रथ यात्रा उत्सव में एक महीना बाकी है, इसीलिए रथ बनाने वालों के लिए जून सबसे अहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तले कारीगर विशाल रथों पर लगातार काम करते हैं ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाएं। तैयार होने पर हर रथ 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। स्ट्रक्चर बनता है जब पहिए खांजा फिटिंग हो जाते हैं, उसके ऊपर पिलर लगाए जाते हैं, तो पिलर का साइज का कितना भी माप है वो नीचे से तैयार होकर डायरेक्ट लगता है, वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट तैयार होकर वहाँ फिटिंग किया जाता है। कारीगर शुरुआत करते हैं विशाल पहियों से, फिर बारी आती है एक्सल की और उसके बाद बाकी की बॉडी बनाते हैं। तीन रथों के लिए कुल 42 पहिए चाहिए होते हैं और उनमें बराबरी का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पहियों से ही भगवान का सफर आरामदायक होगा। तीन रथों पर तीन अलग अलग टीम्स रात दिन काम करती हैं ताकि ये विशाल रथ उस बड़े उत्सव के लिए समय पर तैयार हो जाएं। 2000 साल पहले हिंदू धर्म बड़े बदलावों से गुजरा था। उससे पहले वैदिक सिस्टम था
जिसमें चीजें तय नहीं थी और वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था। तो हिंदुइज्म ने अपने आप को रीडिफाइन किया फ्रॉम वैदिक वे टू पुराणिक वे और खुद को कहानियों के जरिए प्रेजेंट किया। उन कहानियों में तीन मेजर ग्रुप्स थे जो थे शैव, वैष्णव और शाक्त। अगर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर की बात करें तो ये वैष्णव तौर तरीके वाला है। और वैष्णव खास तौर पर बात करते हैं जीवन के आनंद की, इसीलिए भगवान एक राजा की तरह रहते हैं। वो भरपूर जीवन जीते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, शाही कपड़े पहनते हैं और हर दिन भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है। हमारा एक मान्यता है हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु हर रोज पृथ्वी पृष्ठ में आते हैं। रामेश्वरम में जाते हैं स्नान करने के लिए, उसके बाद द्वारिका जाते हैं, उधर ये श्रृंगार होके सारा देश को चलाते हैं राजा होके। मध्याह्न में भगवान विष्णु पुरी में आते हैं, यहाँ पे वो खाना खाने के लिए आते हैं। और जिस अन्न को ब्राह्मण लोग क्या देवता लोग भी तरसते हैं पाने के लिए, ये इसी क्षेत्र का महत्व, ये खाने का पीठ है, क्षेत्र है। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर क्यों पुरी को वो धाम माना जाता है जहाँ भगवान को दावत दी जाती है। मैं उस रसोई का खाना खाने वाला हूँ जिसे यहाँ हजारों की संख्या में आने वाले भक्त श्रद्धा से खाते हैं। यहाँ के मंदिर की रसोई भी बहुत विशाल है, जो करीब 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। बाहर से देखने पर यह किसी किले से कम नहीं लगती। मंदिर के मुख्य रसोइये मुझे पास का बाजार दिखाते हैं जहां से हर रोज सब्जियां वगैरह आती है। भगवान जगन्नाथ का भोजन बनाने के लिए इसी इलाके की सब्जियां इस्तेमाल की जाती है। अच्छा ये बताइए, ये मार्केट कितना पुराना है? ये हजार साल पुराना मार्केट है, उसका नाम है लक्ष्मी बाजार। आसपास का जो खेत है वहीं से सब आता है। आलू, बिलाती आलू, टमाटर, गोभी और भिंडी, ये सब यूज नहीं होता है। मिर्च, ग्रीन चिली, काद्दू यूज होता है, काद्दू ट्रेडिशनल है। भगवान जगन्नाथ रोज 56 तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। लगता है भगवान को दावत बहुत पसंद है। 1000 से ज्यादा बर्तन, 600 रसोइये और सिर्फ पुराने जमाने की लकड़ी जलाने की तकनीक, इनसे बनते हैं भगवान के लिए खास पकवान। वो अद्भुत चूल्हा है जो करीबन 3.5 फुट ऊंचा का चूल्हा है। चूल्हा में एक साथ 9 से 12 मिट्टी बढ़ता है। मिट्टी में हम लोग खाना बनाते हैं जो एक बार यूज होता है, उसके बाद उसको तोड़ा दिया जाता है। ये बात तो साफ है कि यही वो जगह है जहां भगवान की दावत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक होने के नाते इस रसोई में 600 रसोइये वो बनाते हैं जिसे महाप्रसाद कहते हैं। पहले से भगवान जगन्नाथ को परोसा जाता है, उनके बाद देवी विमला को, और उसके बाद ही इसे महाप्रसाद माना जाता है। पुरी आने वाले यात्रियों को जिन चीजों में सबसे ज्यादा पुण्य का एहसास होता है उनमें से एक है ये महाप्रसाद। मंदिर आने वाला हर भक्त बिना महाप्रसाद लिए नहीं जाता।